बोले कि ये सारे बिल्डिंग्स इंडियन ओन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट है, मार्केट के ऊपर देखो संस्कृत या फिर हिंदी में लिखा है 1932 से। यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बच्चे करते हैं और फिर संभालते नहीं है तो उनको बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। अफ्रीका घुसते वक्त अलग एनर्जी रहता है और अफ्रीका छोड़ते वक्त अलग एनर्जी रहता है। ये ईस्ट अफ्रीका का सीरीज यहीं पे खत्म होता है इस लास्ट ब्लॉग पे। बहुत मजेदार ब्लॉग है, हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे, युगांडा का एक्सपीरियंस करेंगे और फिर केनिया होते हुए छोड़ देंगे अफ्रीका। अभी हम लोग कंपाला छोड़ रहे हैं फाइनली और जा रहे हैं जिंजा की तरफ और यहाँ से 2 घंटा दूर है जिंजा। जिंजा जो कि एक और इंटरेस्टिंग जगह है, जैसे हम लोग ने दिखा इक्वेडोर जो कि कंपाला के साउथ डायरेक्शन में, ये है कंपाला के थोड़ा नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर ईस्ट डायरेक्शन में कह सकते हो जिंजा। 2 घंटे का रास्ता है और प्लान तो रहने का पर शायद ना रहूं, पर जो देखना है वो शायद दिखा दूं। अभी बज रहे दोपहर के 2:30, 2 घंटे का जर्नी है, पता नहीं कब तक पहुँचूंगा। बारिश हो रहा था उसने लेट स्टार्ट किया, स्वागत है कंपाला में, यहाँ से हम लोग गाड़ी लेने वाले हैं। स्वागत है ईस्ट अफ्रीका के आखिरी वीडियो पे, जहाँ पे हम लोग जा रहे थे कंपाला से जिंजा और फिर बाद में जाएंगे जिंजा से बैक टू केन्या नैरोबी, वहाँ से फ्लाइट लेके निकलेंगे ईस्ट अफ्रीका से, अफ्रीका को बंद करेंगे इस साल के लिए। बट हम लोग इस वीडियो में इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं जो कि है द फेमस नाइल नदी, जो आप अभी वीडियो में देख रहे हो उसका सोर्स स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे गांधी जी को क्यों दफनाया गया था, मतलब दफनाया तो नहीं गया था, उनका जो एशेस थे वो यहीं पे बड़ी किए गए थे, ये कॉन्सेप्ट तो मेरे को पता ही नहीं था। और यहाँ पे इतने सारे इंडियन घर हैं। पर सबसे पहले अपने होस्ट का घर पे चले गए थे, काउचसर्फिंग होस्ट था मेरा, उसका बच्चा मेरे बाल से खेल रहा था जैसे को मैं खिलौना हूँ। एक्चुअली एफ्रेंस के उतने बाल होते नहीं है ना, उसकी वजह से मेरे बाल देख के बच्चा कन्फ्यूज और एक्साइटेड हो गया। एक्साइटमेंट छोड़ते ब्लॉग पे फोकस करते हैं, चलो। तो सुबह हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं यहाँ पे, मधु के साथ जिंजर भी है और ट्राई कर रहे हैं कसावा। ऐसा तो मैंने बहुत दिन को कसावा खाते हुए देखा है बट पहले कभी ट्राई नहीं किया है। और अच्छा है, आलू जैसा ही है तो अलग है। या बहुत अच्छा है, उसको थोड़ा मसाले के साथ देखो तो हम लोग इंडिया में भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते। देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है पर आलू ही है, उबला हुआ आलू। दिस इज माई होस्ट, दिस इज क्रेजी सन एंड शी लिव्स इन बोर्डिंग स्कूल। हाउ मच इज द बोर्डिंग स्कूल फीस? Per term, per year. Per year, that's 1 million. 1,000. No, 1 million. Then 650. And it includes food and everything. Yeah, everything. सस्ता यार, मतलब यहाँ के हिसाब से सस्ता नहीं कहूँगा, पर 20,000-30,000 रुपये में आपका पूरा साल का बच्चे का निकल रहा है, रहना खाना पीना सब कुछ। यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बच्चे करते हैं और फिर संभालते नहीं है तो उनको बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे बहुत कॉमन बात है कि बोर्डिंग स्कूल में बच्चे को भेज देते हैं और फिर काम करो, बस सैलरी जो मतलब उनका फीस है उसको मैनेज करो, बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं। इसी वजह से बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो बंधन है वो थोड़ा कच्चा होता है इधर, हमारे दूसरी जगह के साथ कंपेयर करें तो। कल प्लान था शाम के 4 बजे तक जिंजा पहुंच जाने का और जिंजा में नाइल देख के केन्या की तरफ निकलने का, बट कल हम लोग बहुत लेट से पहुंचे, उसी वजह से मैं सीएस हाउस के इधर आ गया हूं। आज दोपहर के 12 बज गए हम लोग निकले, प्लान था सुबह 9 बजे निकलने का बट बारिश हो रहा था। अभी जा रहे हैं सिटी के पास जिंजा में, वहाँ पर देखेंगे नाइल और फिर यहाँ से केन्या की तरफ रवाना हो जाएंगे। युगांडा की कहानी ये पे ख़त्म करने वाला है इस वीडियो का आखिरी पार्ट में। अफ्रीका के इतने सारे देश घूम चुका हूँ, काउचसर्फिंग के बारे में एक चीज़ बताऊँगा। अफ्रीकन काउचसर्फिंग में अगर आप अपने होस्ट लड़का हो लड़की हो जिसके साथ भी घूम रहे हो, आपको उनका सारा खर्चा बेयर करना पड़ेगा और वो लोग आपसे थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा करवाती है कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट। पर इसमें मैं कंप्लेंट नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसा सीन है। तो ये मेरे होस्ट के ऑफिस का एरिया है, यहाँ पर मैंने अपना बड़ा बैग रख दिया। अभी हम लोग चल रहे हैं नाइल नदी की तरफ, नाइल नदी के आने वाला है।
The dirtiest? Yeah. It's not so dirty. Yeah, I saw that one in India on TV. In documentary. I said, yeah, I thought that we are the only one this time. No, East Africa is quite clean compared to India, yes. Yeah, that's where I work from. That's a place. Mm-hmm. Indians? Yeah. Most people. यार यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिंजा में ज्यादा चीज इंडियन ही ओन करते हैं, चाइनीज यहाँ पे उतना नहीं करते। चाइनीज कंपाले यहाँ पे सारे सुपर मार्केट देसी करते हैं, बहुत सारे हैं। और हम लोग जिंजा के बीच से आ रहे हैं, बहुत ही छोटा सा और सुंदर सा, बट उतना भी छोटा नहीं, अच्छा सा टाउन लग रहा है। हाँ, यस, बैंक डिपिटिंग, ये बैंक इंडियन का बोल रहे हैं। इंडिया में तो डायमंड ट्रस्ट बैंक शायद नहीं है, मैंने तो कभी नहीं नाम सुना, आप लोग सुने हो तो बताना। डायमंड ट्रस्ट बैंक वैसे हम टूरिस्ट के लिए तो बेस्ट है, एको बैंक। एंड सी वेयर इज द शेफ, वेयर द इंडियन गाइस, हां, हेयर कट एंड द रेस्टोरेंट। चलो सही है। बोले कि ये सारे बिल्डिंग्स इंडियन ओन करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट है, मार्केट के ऊपर देखो संस्कृत या फिर हिंदी में लिखा है 1932 से। मधुबन If he like he's the richest guy like within this side, okay, यार मेरे को तो पता ही नहीं था कि इतने सारे देसी यहाँ पे हैं। कंपल मतलब ये मार्केट जो है मेन, ये भी ओन बाय अपने देसी है। हालांकि 1972 में बहुतों को भगा दिया गया था, फिर भी है 1919 मधुबनी। तो उधर है ककीरा शुगर, और वो शुगर का कंपनी अपना देसी ओन करता है, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, पर लोकल लोगों का यही सबसे फेवरेट है। जैसे इंडिया में टाटा नमक खाते हैं, वैसे यहाँ पे ककीरा चीनी जो कि देसी है ओन करते हैं। अच्छा देखो, अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है। तो जिंजा में भी इंडियंस रहते थे 1972 के पहले, और 1972 में सारे इंडियंस को जब भगा दिया गया। व्हेन डिड द न्यू प्रेसिडेंट कम? 1985 ही टोल्ड देम टू कम बैक इन 1986। तो 1985 में जब डिक्टेटर को भगा दिया गया और नया प्रेसिडेंट आया, देन ही स्टार्टेड कमिंग बैक इन 1995। तो 1995 के आसपास उन्होंने बताया कि ये जितने भी घर है, जितने भी सारे प्रॉपर्टी है, सब इंडियंस ने बनाए थे, इंडियन ओन थे, पर भगा देने के बाद वो सब चोरी किए गए थे, मतलब टेक ओवर हो गया था। हाँ, नया प्रेसिडेंट ने बताया कि एक काम करो, सारे इंडियंस को बुला लो, और उनको जिनका जो घर था पहले, उन सबको वो सारे घर दे दिए जाएंगे। तो 1995 के आसपास बहुत सारे इंडियंस एक्चुअली जो यूरोप शिफ्ट हुए या फिर इंडिया भी शिफ्ट हुए, सब वापस आ गए और यहाँ पे शिफ्ट कर लिया और अपना प्रॉपर्टी वापस ले लिया। तो जिंजा में बहुत सारे भारतीय ओन घरों हैं, और जो लुट गए थे फिर वापस मिल गए, जो कि अच्छी बात है। तो एक और ईस्ट अफ्रीका में एक और अपना भगवान का घर देख सकते हो। कंपाला में तो बहुत सारे थे, कंपाला वाला तो मैं देख नहीं पाया, मतलब बाहर से देखा, और यहाँ पे मेरे होस्ट लाई कि देखो यार जिंजा में बहुत सारा है देसी इन्फ्लुएंस, और बहुत सारे भगवान के घर हैं, और 30% के आसपास प्रॉपर्टी भी ऐसे ही ओन्ड है। जूता खोल लेता हूँ, इधर कुछ तो हुआ होगा होली मोली का, अभी तो ठंडा पड़ा है। सारे मंदिर अभी मंदिर से बंद ही है, कुछ तो इवेंट चल रहा है वहाँ पे, बहुत सारे बर्तन भी है, पक्का यहाँ पे प्रसाद चढ़ता होगा। फिलहाल हम लोग निकलते हैं यहाँ से। मेरी होस्ट पूछ रही है कि इस पेड़ पे क्यों पूजा चल रहा है, ये कौन सा भगवान है छोटा सा, तो अब इनको क्या समझाओ हमारे
क्या क्या चलता रहता है यहाँ पे. नो इट द कलर गॉट फेडेड. तो भाई स्वागत है घने जंगल के बीच में नाइल नदी के मेन सोर्स पे. नाइल नदी के जन्म से जो दुनिया का आर्गुएबली सबसे लंबा नदी है, जो दूसरा लंबा नदी है अपने अमेज़न, उसके साथ थोड़ा कंपटीशन थोड़ा बहुत चलता रहता है. बट नाइल नदी आप सब जानते हो, सबने पढ़ा है. मोस्टली हम लोग जानते हैं इजिप्ट के बारे में, नाइल नदी के बारे में. बट आज के दिन में नाइल नदी चार देशों से पास करता है. शुरू होता है युगांडा, फिर जाता है साउथ सूडान, फिर जाता है सूडान, और फिर जाता है अपना इजिप्ट में ख़त्म होता है. और ये लंबा नदी, दुनिया का सबसे लंबा नदी, यहीं से शुरू हो रहा है. वो जो देख रहे हो आप लोग वो है लेक विक्टोरिया, और लेक विक्टोरिया के बाद ही रिवर लाइन शुरू हो जाता है. यहाँ पे तो उतना लंबा नहीं है, कुछ कुछ जगह पे बहुत ही चौड़ा है, कुछ कुछ जगह पे कम चौड़ा है, और यहाँ पे स्रोत भी हल्का है. धीरे धीरे स्रोत बहुत बढ़ जाता है. इसे कहते हैं सफ़ेद नाइल, वाइट नाइल, और नाइल का पानी का रंग हर जगह में बदलता रहता है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पानी ठीक ठाक साफ ही है. यहाँ पे तो मेरे को नहाने का भी मन कर रहा है, पर आप यहाँ पे नहा नहीं सकते हो, नहाने के लिए दूसरे कुछ डेडिकेटेड बीचेस है. पर ये मेरे को देखना था और आ गया मैं यहाँ पे. तो आप भी जब आ रहे हो ईस्ट अफ्रीका ट्रिप करने, तो जिंजा को ज़रूर अपने लिस्ट में डालना, कि जिंजा में दिखेगा रिवर नाइल का शुरुआती जगह. बहुत इंटरेस्टिंग है. लेक विक्टोरिया बहुत ही बड़ा है, ये शेयर होता है बहुत जगह पे. हम लोग कंपाला में गए थे, वहाँ पे एंटेपे में हम लोगों ने लेक विक्टोरिया देखा था. पर यहाँ पे भी लेक विक्टोरिया का मज़ा ले सकते हो. तो एंटेपे स्किप करके आप जिंजा में ही दोनों का मज़ा ले सकते हैं, और एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा बेटर है. But standing. Want to take a beer? Mm. They give you chairs, you sit there. Really? Yeah. Wow. And the park, the source of Nile is there? You see, source of the Nile. You see, there's a building. Like after that, like there is some small building in the middle of the yes? river. Yes. Yeah, but you can't if you have the which one? This one? Now you pass here, it's behind that door. Like you see this thing in the middle here, then you rotate it. तो वो जो देख रहे हो आप लोग उसके पीछे एक जगह जहाँ से कहा जाता है कि पानी बहुत सोर्स से फोर्स से निकलता है और यहाँ से चलता रहता है. अभी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पे आपको महात्मा गांधी के बहुत सारे स्टैचू दिख जाएंगे. और जिनको पता नहीं है, एक्चुअली मेरे को एकदम पता नहीं इस बारे में, मैंने तो बुक्स में भी शायद ही पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी को जब मारा दिया, गॉडसे ने मार दिया, तो उनका कुछ लास्ट विश था कि मेरा जो एशेस है वो आप दुनिया के अलग अलग नदी में जाके बहा दो या फिर वहाँ पे दफना दो. तो वैसे ही नाइल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिंजा, तो यहाँ पे अपने गांधी जी का मेरे को बात करने नहीं दे रहे. अच्छा, वो जो बोट जा रहा है वो नाइल के सोर्स पे जा रहा है. हाउ मच इज द एक्सपीरियंस? लाइक इफ यू वांट टू गो इट्स $100. $100 to go to the source of the Nile? Yes. Per person or per boat? Person. Per person. Thank you. This is even for a bus. If there are two, still it's the same fee. $200. You know. Oh, you can share. Yeah. $100 per boat. Yes. Sir. So if I can go even five people, so it will be $20 per. If there are five people, still the same. $100 per boat. Yeah. So it's $20 per person. But if it's one, still 100. समझ गया. I understand now. तो महात्मा गांधी का जो एशेस है उसे यहाँ पे दफनाया गया, और यहाँ पे उनका बहुत बड़ा मोनूमेंट वगैरह बनाया गया है, लिखा गया है. और बहुत सारे जीव जानवर है. ऑफ कोर्स आई कैन मैनेज. हम लोग नील नदी में अभी पैर रखने वाले हैं. पानी उतना ठंडा नहीं है. आय आय आय. But you can sit there. Yeah, yeah. Just have to raise my pant higher. No? Oh, you want me to first sit there and see where the water is? No, it's okay.
It's deep. जब लो टाइड होता है तो हम लोग बैठ के यहाँ पे दारू पीते हैं, और तभी गार्ड आ गया, डांटना शुरू कर दिया क्योंकि करंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कभी कभी, आपको लेके कहाँ भगा के लेके जाएगा कोई पता नहीं। बट एरिया सुंदर था, मेरे को एकदम अमेजन जंगल की याद दिला दी। ये एकदम मेरे को अमेजोन वाला वाइब दे रहा है। अमेजोन में नहीं था, पोर्टो नेरो के आसपास, वहाँ पे अमेजोन नदी था, यहाँ पे हरियाली थी, वही वाली वाइब यहाँ पे आ रहा है। इधर गोल्फर्स है, मतलब अमीर ही है, बहुत लोग देखो उधर गोल्फ खेल रहे हैं, मतलब पैसे वाले हैं। और हम लोग अभी एक रिजॉर्ट पे आ गए, सेलिंग क्लब कहते हैं, और यहाँ पे देखो विक्टोरिया दीदी का लेक मर गई, अबे विक्टोरिया लेक है। दो सर सोलर पैनल्स नो दोस लुक्स लाइक सोलर Those are what? Fishing? Those are fishing ponds. Ah, wow. तो ये है यार लेक विक्टोरिया, वही फेमस जो कि नहाने का मौका नहीं मिला। कुछ कुछ जगह पे आप लोग घूम सकते हो, ये जैसे कि जिंजा हो गया, एंटपे हो गए, फिर तंजानिया में मोवापा नाम का एक मावांजा नाम का एक शहर है, वहाँ पे जा सकते थे, वो अरुषा के पास पड़ता है। और फिर केनिया में आ जाता है एक शहर किसुमू, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, इन सब जगह से एक्सेस कर सकते हो। एक्चुअली एक फेरी भी चलती है तंजानिया से युगांडा के लिए, मोवांजा से एंटेबे के लिए, वो ओवरनाइट फेरी होती है। युगांडा में आखिरी बार रोलेक्स खा रहा हूँ 40 रुपये में, 45 रुपये में, डबल एक का बढ़िया सा है। तो होस्ट को बाय कह दिया, अभी इस कैफे पे बैठा हूँ, कॉफ़ी पीऊँगा। शाम के 3:30 बज रहे हैं और अभी यहाँ से हम लोग को युगांडा छोड़ के जाना है। तो इस सेंटर से हम लोग बस ले रहे हैं, अभी शाम के 6 बज गए और 90,000 का बस पड़ा, यानी कि आप पकड़ लो लगभग 2,000 रुपये का बस है यहाँ से नायडू भी जाने के लिए, 12-13 घंटे लगेंगे 6 बजे, तो सुबह कल 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा नायडू भी। आशा करता हूँ कोई पंगा ना हो। युगांडा टाटा बाय बाय। हाँ टाटा से याद आया, अपना टाटा। एक हज़ार शिलिंग का मैंने रूम ले लिया यहाँ पे। आज सुबह 5 बजे पहुँच गया था, बस वाले थोड़े अच्छे थे, बस वाले बोले कि 5 बज गए, आप एक काम करो आप बस में सो जाओ और फिर जब लाइट हो तो निकल जाना। तो 7 बजे मैं निकला, यहाँ पे अर्ली चेक इन दे देते उतना टेंशन नहीं है। 1,000 शिलिंग जब मैंने कन्वर्ट किया था उसका मतलब 600 रुपये था, पर आज के दिन में शिलिंग बहुत स्ट्रांग हो चुका है 2 महीने में, तो आज के दिन में थोड़ा ज़्यादा वैल्यू है, पर कोई बात नहीं। 5 बज रहे दोपहर के 11, सुबह के 11 ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलेंगे एक दोस्त से, स्वागत है फिर से केनिया में, बट सिर्फ एक दिन के लिए। यहाँ पे कैफे आ गया हूँ ब्रेकफास्ट करने, आ गया लगता है अपना कॉफी। अभी हम लोग केनिया के एयरपोर्ट पे हैं और हम लोग मेरे को ड्रॉप करने आए हैं मेरे दोस्त लोग। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप टैक्सी देख लो, बस देख लो, हर जगह पे हम लोग को उतर के क्रॉस करना पड़ेगा और सिर्फ जो ड्राइव कर रहे हैं वो अंदर जा सकता है। 95 कंट्रीज जा चुका हूँ, हालांकि उतना एयरपोर्ट जाता नहीं, पर ऐसा कंसेप्ट मैंने कभी नहीं देखा। कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल है, मेरे पास मेरा पासपोर्ट भी नहीं है, सब गाड़ी में है, पर इन लोगों को बोल रहा है कि हाँ चिल्ड है। ड्राइवर का कुछ चेक नहीं हो रहा, गाड़ी चेक भी नहीं हो रहा। ओ गाड़ी गाड़ी में बॉम्ब, कुछ यू कैन नॉट यूज दैट वर्ड हियर। तो हाँ
एयरपोर्ट आ चुका हूँ, 12:22 हो चुके हैं और 1:20 में अपनी फ्लाइट है, मतलब एक घंटा भी नहीं है अभी तक मेरा चेक इन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है आप लोगों को बाद में समझाता हूँ, पर वक्त है अफ्रीका छोड़ने का होपफुली, पर अभी तक 100% श्योर नहीं है। तो कतर एयरवेज की बोर्डिंग पास मिल गया है हम लोगों को, पहली बार फ्लाई कर रहा हूँ कतर एयरवेज, पर इसका मैंने फुल फ्लेज टिकट नहीं दिया। कतर एयरवेज बहुत महंगा होता है, कतर इतिहाद या फिर एमिरेट्स मान लो, और हम बजट ट्रैवलर रहने वाले, हमको चाहिए इंडिगो वाले सस्ते डील्स, बट मेरे को बहुत ही सस्ते में ये टिकट मिल गया। एक्चुअली ये टिकट का प्राइस है 1,20,000। हम लोग जा रहे हैं केनिया से दोहा और फिर दोहा से जाएंगे जापान, और ये टिकट है 1,20,000 का, पर मेरे को सिर्फ पड़ा 23,000 रुपये का, क्योंकि मेरा एक दोस्त है टर्की से जिससे मैं मिला था अर्जेंटीना में, वो कतर एयरवेज में एयर होस्ट में काम करता है, उसी वजह से मेरे को अपना फ्रेंड की लिस्ट में घुसा दिया और मेरे को ये सस्ता टिकट मिल गया। बट इन टिकट का पंगा क्या होता है, इन टिकट में आपको वेट करना पड़ता है, अगर फ़्लाइट फुल हो तो आपको फ्लाई नहीं करने देंगे, आपको नेक्स्ट फ्लाइट में जाना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपको सीट ना मिले। तो फ़्लाइट ऑलमोस्ट फुल था पर एंड में मेरे को सीट मिल गया, मेरे को विंडो सीट मिला था पर मैंने रिक्वेस्ट करके आइल सीट ले लिया जो कि मेरे को पसंद है। अभी हम लोग जाने वाले हैं दोहा जो कि होने वाली है मेरी कंट्री नंबर 97। हालांकि दोहा के लिए वीज़ा फ्री नहीं है, इंडियंस को वीज़ा लेना पड़ता है, वो सब बताएंगे धीरे धीरे। फिलहाल ये ईस्ट अफ्रीका के 5 देश, एक तंजानिया केनिया तंजानिया बुरुंडी रवांडा युगांडा और साउथ सूडान, ये छः देशों का ट्रिप मेरा ख़त्म होता है। टोटल 2 महीने, ऑलमोस्ट 2 महीने हम लोगों ने ट्रैवल किया और इन 2 महीनों में मेरा टोटल खर्चा हुआ है इंडिया से आने वाला फ्लाइट, सारा वीज़ा, सारा खाना, सारा सब कुछ मिला के, हाँ सफारी का खर्चा छोड़ के क्योंकि वो ट्रैवल लाइक के साथ कोलाब्रेशन था, इन सब का टोटल खर्चा आया मेरा 1,25,000 रुपये 2 महीने का, जो कि थोड़ा महंगा है क्योंकि सिर्फ 2 महीने में, पर मैंने 60,000 के ऊपर हो गया, जनरली मैं उससे भी सस्ते में ट्रैवल करता हूँ, पर कोई बात नहीं, जैसे भी था एक्सपीरियंस। अभी फ़िलहाल ये अफ्रीका का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दोहा में।